हेलो फ्रेंड्स, सो वी मेट अगेन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में, है ना। ये आपका CDP का 9वां चैप्टर है, आकलन एवं मूल्यांकन, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका CTET एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है CDP में। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट पेडागोजिकल क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो साइंस के हों, सोशल साइंस के हों, मैथ्स के हों, हिंदी, इंग्लिश, जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, उन सभी से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो है कंसेप्ट यहाँ पे हम देखने वाले हैं। ये वो कंसेप्ट है जो आपको सारे पेडागोजिकल क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो जानते हैं सबसे पहले इवैल्यूएशन, है ना। इवैल्यूएशन हम क्यों करते हैं फ्रेंड्स? आप सबों के मन में सबसे पहली प्रश्न उठता होगा कि वाई वी इवैल्यूएट, है ना, हम लोग इवैल्यूएशन क्यों करते हैं। तो सबसे पहला फ्रेंड्स, छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी, है ना, छात्रों के प्रदर्शन की जानकारी हमें इससे मिलता है, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो भी शिक्षक होते हैं उनके शिक्षण जो रणनीतियाँ हैं, है ना, शिक्षण रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने में यह इवैल्यूएशन मदद करता है। इसके बारे में अगर कहें कि शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है या शिक्षण अधिगम उद्देश्य होता है, तो शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के बारे में, है ना, शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में भी ये जो है इवैल्यूएशन क्या करता है, हमारा सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो छात्रों की जो सफलता है, है ना, सफलता और असफलता, छात्रों की सफलता और असफलता के बारे में, है ना, या इसके कारणों के बारे में पता लगाने में इवैल्यूएशन जो है हमारा मदद करता है। इसके बाद छात्र की जो समस्याएं होती है, है ना, छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए तथा उसको समाधान करने के लिए हम लोग को इवैल्यूएशन जो है वो क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ये इसके अलावा इवैल्यूएशन जो है हमें फीडबैक देता है ना, टीचर को फीडबैक मिलता है इससे। इसके अलावा स्टूडेंट्स को भी जो है फीडबैक मिलता है, यानी प्रतिक्रिया या पृष्ठ जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में प्रतिपुष्टि, है ना, वो जो है प्राप्त होता है, ठीक। तो यही सब कारण है, है ना, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इवैल्यूएशन क्यों करते हैं छात्रों को, है ना, उसके प्रदर्शन को जानने के लिए, शिक्षण रणनीतियाँ कैसा है, है ना, उसमें सुधार करने के लिए, शिक्षण रणनीतियों को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम उद्देश्य को कितना प्राप्त किया है बच्चा, है ना, या उसको प्राप्त करने में जो है ये हमारा मदद करता है। छात्र की सफलता और असफलता का क्या कारण है इसको हम लोग जान लेते हैं, उसकी समस्या क्या होती है, है ना, उसको पहचान लेते हैं और उसके समाधान भी कर देते हैं। इसके अलावा जो फीडबैक है, है ना, वो भी हमें यहाँ से प्राप्त होता है। छात्रों को, शिक्षक को, दोनों को क्या मिलता है, फीडबैक प्राप्त होता है समय 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 पे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, जो इवैल्यूएशन है आपका, इवैल्यूएशन इंक्लूड करता है, है ना, दो इवैल्यूएशन जो है, दो आपका जो आपका मेजरमेंट है, मेजरमेंट और असेसमेंट, है ना, दो अवधारणाओं को अपने अंदर इंक्लूड करता है, या यूँ कहें कि मतलब इवैल्यूएशन में जो है हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पर दो अवधारणाओं को हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये दोनों का अर्थ थोड़ा सा आपका डिफरेंट है, लेकिन हम लोग लगभग एक ही चीज़ में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो मेजरमेंट फ्रेंड्स क्या होता है इसको समझते हैं। मेजरमेंट आपका मापन है, है ना, इसमें जो है इवैल्यूएशन को मतलब क्वांटिटेटिव में, यानी सब मतलब मात्रा में इसको व्यक्त किया जाता है, ये आपका क्वांटिटेटिव होता है, ठीक है। असेसमेंट क्या है फ्रेंड्स, ये आपका डायग्नोस्टिक इन नेचर है, डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है, है ना, निदानात्मक होता है असेसमेंट। इससे क्या होता है, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में, है ना, जानने के लिए जो है मदद करता है हमारा असेसमेंट, है ना। इसके अलावा लास्ट में आपका है इवैल्यूएशन, टाइम टू टाइम फीडबैक भी प्रदान करते रहता है ना, फीडबैक मिलते रहता है इवैल्यूएशन से, मतलब असेसमेंट से। इवैल्यूएशन ये जो है हमारा शिक्षण रणनीतियों का निर्णय लेने में, है ना, शिक्षण रणनीतियों के बारे में निर्णय लेने में हेल्प करता है। जो भी अधिगम जो भी आपका क्या है, शिक्षण अधिगम जो आपका उद्देश्य होता है उसको प्राप्त करने में जो है इवैल्यूएशन मदद करता है। तो ये एक जनरल, है ना, आप अर्थ हो गया कि मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है। ये आपका जजमेंटल होता है, मतलब ये जज करता है कि कौन बच्चे जो हैं किस प्रकार से, है ना, अपने प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा जो भी शिक्षक होते हैं उसके शिक्षण रणनीतियों में जो है उसको निर्णय लेने के लिए ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। तो ये बात हुआ आपका मापन, असेसमेंट मतलब आकलन, और आपका मूल्यांकन के बारे में, ठीक है, तीन बात।
इसके बाद हम लोग समझते हैं असेसमेंट के टाइप्स, है ना। यहाँ से हम लोग जानेंगे असेसमेंट कितने प्रकार के होता है ना, और असेसमेंट को हम लोग डिटेल से यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझ लिए होंगे मापन की आवश्यकता। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे एक ए है एक बी है, दोनों स्टूडेंट्स है, एक ही कक्षा का है ना। अगर यहाँ पे बारी आया है ना, फर्स्ट अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट है आपका, इसका 65% मार्क्स आया, इसका 60% मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉनिटर चुनना हो उस कक्षे का, तो कक्षा का क्या करेंगे आप, मतलब इस क्लास का मॉनिटर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि इसका ज़्यादा मार्क्स है। अब बाय द वे एक ऐसा हो गया है ना कि नेक्स्ट बार जब एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पे 65 दोनों को आ गया, दोनों को 65% आ गया। अब इस वक्त इसको आप मॉनिटर चूज करेंगे तो यहाँ पे ज़रूरत होता है असेसमेंट का। यहाँ पे आप मेजरमेंट का यूज़ कर करके आप क्या कर दिए, मॉनिटर को चयन कर दिए कि ये आपका ज़्यादा तेज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे तो दोनों का सेम मार्क्स है, तो यहाँ पे हम लोग असेसमेंट का सहारा लेते हैं, जो भी बच्चे का प्रदर्शन होता है। इसके अलावा जो अदर है ना प्रस्पेक्टिव से जो होता है, वो हम लोग व्यक्तिगत परीक्षण के आधार पर बच्चों को क्या करते हैं, मॉनिटर का चयन करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग है ना, हम लोगों को जो है अदर अलग अलग चीज़ों का है ना ज़रूरत पड़ा, असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का, मेजरमेंट का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं असेसमेंट कितने प्रकार का होता है। तो असेसमेंट फ्रेंड असेसमेंट जिसको आकलन बोलते हैं, ये आपका मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको बोला जाता है रचनात्मक या रूपात्मक आकलन है ना। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक है आपका, सम्मेटिव असेसमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग योगात्मक आकलन, ठीक है, योगात्मक आकलन बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं फ्रेंड्स फॉर्मेटिव और सम्मेटिव में क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपका जो है ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। लेकिन ये जो है वो क्या कब होता है, जब पाठ्यक्रम के समाप्ति के बाद है ना, पाठ्यक्रम के समाप्ति के अंत में जो है ये आपका क्या होता है, लिया जाता है, जिसमें जो है ग्रेड्स है ना, ग्रेड अंक या फिर जो भी परसेंटेज के आधार पर जो भी प्रमाण पत्र जो है लास्ट में बच्चों को दे दिया जाता है। ये सतत चलने वाला प्रक्रिया है, बच्चों को टाइम टू टाइम जो है फीडबैक देते रहता है ना, उसके प्रदर्शन के जानकारियों में, उसके प्रदर्शन के बारे में जानने के लिए मदद करता है कौन, आपका असेसमेंट है ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। इसके अलावा ये जो है विद्यार्थी की कमजोरी, छात्रों की कमजोरी के बारे में ये बताता है। ये इस तरह की कोई भी जानकारी नहीं देता है, ठीक है, कोई भी जानकारी इस तरीके का नहीं देता है, मतलब छात्रों की कमजोरियों के बारे में ये नहीं बताता है। ये लास्ट में जो है आपको क्या कर देता है, आपको बस ग्रेड के रूप में, मार्क्स के रूप में आपको जो है वो असेस कर देता है। ये छात्र की कमजोरी टाइम टू टाइम बताते रहता है। इसके अलावा जो है शिक्षक के है ना, शिक्षक को जो भी समस्याएं होती है ना, उनके जो स्ट्रेटजी होता है उसके बारे में टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहता है। ये इस तरीके की प्रभावशीलता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं देता है, मतलब शिक्षण के रणनीतियों के प्रभावशाली के बारे में है ना, कि शिक्षक का जो भी रणनीति है वो कितना प्रभावशाली है, कितना इफेक्टिव है, इस तरीके की कोई भी जानकारी समेटिव असेसमेंट आपको नहीं देती है। लेकिन ये आपको क्या करता है, देता है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करें तो ये आपको जो है रिवीजन का स्पेस प्रोवाइड करता है, रिवीजन का जगह इसमें बसता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे कोई भी रिवीजन का है ना, रिवीजन का स्पेस नहीं होता है, यहाँ पे आप रिवीजन का स्पेस हमें मिलता है, ठीक है, यहाँ पे रिवीजन का स्पेस हमें मिलता है। अब कैसे यहाँ पे समझते हैं, देखिए समेटिव आपका क्या होता है, लास्ट में होता है। अब जैसे यहाँ पे आप समझ लीजिए है ना, कि यहाँ पे आप बच्चे को क्या करते हैं, जैसे टाइम टू टाइम जो भी आप है ना, आप अगर कोई टेस्ट दे रहे हैं आप है ना, तो जैसे आपने सीटेट का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया अपने घर में, चाहे कहीं भी कोचिंग ट्यूशन जो भी आप, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, पर डे टेस्ट आप देते रहते हैं है ना, आज दिए कल दिए, और इस तरीके से आपने 20 दिन के अंतराल में, एक महीने के अंतराल में आपने देखा टेस्ट के दौरान कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है आपका कमज़ोर है, वहाँ पे आप क्या कर लिया, रिवीजन का आपको टाइम मिल गया और आपका मार्क्स बढ़ा। लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट में जब आप 5 जुलाई को जो होने वाला आपका एग्ज़ाम है, यहाँ पे जब आप टेस्ट में आप अपीयर हो गए, तो 5 जुलाई के बाद 6 जुलाई को आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल सकता है। जो भी आपने पढ़ा उसके आधार पर 5 जुलाई को आपका क्या हो जाएगा, मार्क्स आपका प्रमाण पत्र के रूप में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये है आपका फॉर्मेटिव और ये है आपका सबमेटिव, अंतर समझ में आ गया। ये एक ऐसा आकलन है जो कि सतत चलते रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है ना। यहाँ पे बच्चे के प्रदर्शन के बारे में टाइम टू टाइम फीडबैक मिलते रहता है, बच्चे यहाँ पे अपने कमजोरी को जान करके आगे जो है उसमें क्या करते रहते हैं, इम्प्रूवमेंट करने का मौका इनको मिलता है, और इस तरीके का मौका यहाँ पे नहीं मिलता है। शिक्षक की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी मिलता है कि टीचिंग स्ट्रेटजी कैसा है, नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इस तरीके की जानकारी नहीं मिलता है।
नेक्स्ट अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे एक दो टर्म और है, एक है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसको बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अब हिंदी लिख लेंगे के लिए आकलन, है ना, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट आप शॉर्ट में लिख देते हैं ऑफ लर्निंग, यह है अधिगम का आकलन, है ना, अधिगम का आकलन, अधिगम का आकलन, ठीक है। और नेक्स्ट आपका तीसरा लास्ट है असेसमेंट एज लर्निंग, एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। अब ये तीन चीज को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असेसमेंट फॉर लर्निंग रिलेटेड है आपका किससे, ये संबंधित है आपका समेटिव से, अभी आपने देखा है ना, ये आपका फॉर्मेटिव से संबंधित है, फॉर्मेटिव अभी आपने देखा था ना, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, मतलब समेटिव, फॉर्मेटिव अभी आपने देखा था, फॉर्मेटिव क्या होता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के प्रदर्शन के बारे में टाइम टू टाइम क्या करते रहता है, देते रहता है, तो ये आपका कब होता है, ड्यूरिंग लर्निंग, है ना, अधिगम के दौरान या सीखने के दौरान, आपका अधिगम के दौरान टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अधिगम के दौरान जब असेस किया जाता है बच्चों को, तो ये कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये अधिगम के अंत में या सीखने के अंत में, है ना, ड्यूरिंग लर्निंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, एंड ऑफ द वर्क, है ना, वर्क के लास्ट में जो है, सीखने के लास्ट में जब ये परीक्षण किया जाता है तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और नेक्स्ट एज लर्निंग मतलब सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मतलब स्वयं का आकलन, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, स्वयं का आकलन करता है, मतलब बच्चे को यहाँ पे स्वयं के बारे में, स्वयं की क्षमता, स्वयं की कैपेबिलिटीज़ के बारे में बच्चों यहाँ पे, बच्चे को यहाँ पे अपनी जानकारी होता है, और बच्चे स्वयं अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी का क्या करते हैं, जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल से यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे कि आप चाय बना रहे हैं, ठीक है ना, चाय बना रहे हैं, कुछ और भी बना रहे हैं, ठीक है, तो किन्हीं किन्हीं को आदत होगा ना कि वो चाय को बनते बनते जब गैस ऑन है तभी गैस को, मतलब चाय को थोड़ा सा चक करके, है ना, चम्मच से निकाल करके थोड़ा सा देख लेते हैं, चक करके मीठा हुआ या तीता तो होगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, चाय को हल्का सा पहले से टेस्ट कर लेते हैं कि कितना मतलब मीठा हुआ है, तो ये हो गया क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग हुआ, जब चाय बनते बनते जब गैस आप बंद नहीं किए हैं, आपका ऑन ही है गैस, तब आपने टेस्ट कर लिया, ये क्या हो गया, असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जब आपने चाय को पूरी तरह से बंद कर लिया, कुक कर लिया, है ना, गैस ऑफ कर लिया, और उसके बाद आपने पिया और पी करके पता लगा कि कैसा हुआ, तो वो कहलाएगा आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और यहाँ पे आप सेल्फ असेसमेंट करते हैं, जैसे कि अभी आपका एग्जाम आने वाला होगा, है ना, इसका एग्जाम्पल आपका अलग है, आपका एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप क्या करेंगे, खुद का असेस करना शुरू करेंगे कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है ना, कौन कौन से टॉपिक को हमें रिविजन करने की ज़रूरत है, तो इस तरीके का जो असेसमेंट होता है वो कहलाता है स्वयं का आकलन, सेल्फ असेसमेंट मतलब असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जैसे कि साइंस में या फिर किसी भी पेडागॉजिकल क्वेश्चन में आपको पूछ दिया जाएगा कि किसी बच्चे को जो है ना, वो पेड़ पौधे के बारे में, पौधे की जानकारी के लिए बच्चों को जो है गार्डन में ले जाया गया, और वहाँ पे गार्डन दिखा करके बच्चों को जो है क्वेश्चन किया जाता है, तो जो भी प्रश्न वहाँ पे पूछा गया तो वो किसके अंतर्गत आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग या फिर एज लर्निंग, तो वो किसका पार्ट है आपका, असेसमेंट फॉर लर्निंग का पार्ट है, क्योंकि अभी अधिगम हो रहा है, ऐसा नहीं कि वापस आ गया गार्डन से, गार्डन में ही अभी है, गार्डन में ही अभी है, अभी लर्निंग चल ही रहा है, और उसके बीच में जो पूछा गया क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, लेकिन गार्डन में गया और फिर वापस आ गया, आने के बाद जो है सीखने के बाद जो है क्या हो गया, मतलब सीखने के अंत में जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो वो क्या हो जाएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो चाय के एग्जाम्पल के साथ आप इसको सबसे बेहतर ढंग से आप याद कर सकते हैं, वो सबसे आपका बेहतर है, तो आप ध्यान में रखेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, जब अंत में लिया जाता है, ठीक है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग जब अधिगम के दौरान आपको असेस किया जाता है, तो वो कहलाता है आपका अधिगम मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब हम आगे बात करने वाले हैं CCE के बारे में, है ना, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक। तो यहाँ पे CCE
ये क्वेश्चन आपको रहता है कि सी सी ई में जो बीच वाला जो सी है उसका क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पहला सी है उसका अर्थ क्या होता है, सतत, है ना, मतलब टाइम टू टाइम जो है आपको एग्जाम लिया जाता है, जैसे वीकली टेस्ट होता है ना, इसके अलावा जो भी मंथली टेस्ट होता है ये सभी आ जाएगा, मतलब सतत होता है, लगातार होता है, ये नहीं कि आज हुआ कल हुआ परसों हुआ, ये नहीं है। सतत का मतलब एक टाइम टू टाइम, है ना, आपने समय रख दिया कि ये चैप्टर खत्म होने के बाद मतलब हर वीक में क्या होगा, टेस्ट होगा, तो ये है सतत का मतलब। नेक्स्ट आपका है सी, कॉम्प्रिहेंसिव, 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 कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक, और व्यापक मतलब होता है यहाँ पे जो सी सी ई है इसके अंतर्गत बच्चों का जो समग्र मूल्यांकन है, है ना, बच्चों का समग्र मूल्यांकन होता है, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो चाहे वो सहशैक्षिक क्षेत्र हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक और सहशैक्षिक, है ना, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक। शैक्षिक मतलब कौन सा, जो आपने क्लास में जो आपने पढ़ा, और सहशैक्षिक मतलब कौन सा, है ना, सहशैक्षिक का मतलब कौन, जैसे डिबेट होता है, है ना, कोई भी कार्यक्रम होता है, गायन प्रतियोगिता होता है ना, इस तरीके से बहुत सारे ड्राइंग कंपटीशन होता है, तो ये सारे सहशैक्षिक के अंतर्गत आ जाएगा। जो आपने क्लास में पढ़ा, जो भी विषय वस्तु आपने पढ़ा, वो आपका किस में आ जाएगा, शैक्षिक के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये है आपका कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब, जो कि बार बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है, सी सी ई से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि बीच वाला जो सी है इसका क्या अर्थ है। तो कॉम्प्रिहेंसिव, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों गतिविधियों का क्या करना, मूल्यांकन करना, और ये सी मतलब क्या हुआ, सतत, ठीक है। अब फ्रेंड्स सी सी ई का कब लागू किया गया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम आपको डिटेल यहाँ पे बता देते हैं, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके द्वारा इसको लागू किया गया था कक्षा 9 में, है ना, ये आया था 2009 में, ठीक है ना, 2009 में, और कक्षा 10 में ये आया था अप्रैल 2010 में, ठीक है ना, अप्रैल 2010 में कक्षा 10 में आया था, और दिसंबर 2009 में इसको लागू किया गया था। मतलब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर पूछे कि लागू कब हुआ था, तो आंसर अगर ऑप्शन में आपका 2009 और 2010 दोनों रहे, तो आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, 2009 में लागू हो गया था, ठीक ना, सी सी कब लागू हो गया था, 2009 में लागू आपका हो गया था। अब फ्रेंड्स इसके अंतर्गत SBA, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जिसको बोलते हैं, स्कूल आधारित आकलन, है ना, स्कूल आधारित आकलन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन, ये क्या था, स्कूल आधारित आकलन, आधारित आकलन मतलब स्कूल जो है पूरा आकलन बच्चों का करेगा। ये 1978 में सबसे पहले हांगकांग के अंतर्गत आया था, हांगकांग में स्कूल बेस्ड असेसमेंट सबसे पहले शुरू किया गया था। इसका मकसद था, है ना, स्कूल में ही स्कूल आधारित आकलन होगा, मतलब बोर्ड जो भी बोर्ड परीक्षा के जो भी नियंत्रक होते हैं वो कॉपी टेस्ट नहीं करेंगे बच्चों का, जो भी स्कूल के शिक्षक जो भी जिससे वो पढ़ा है, जिससे वो फैमिलियर है बच्चा, वही जो है बच्चे का क्या करेगा, असेस करेगा, मतलब बच्चे को पढ़ाने से लेकर के जो भी शैक्षिक गतिविधियाँ होगा, जो भी उसके कॉपी टेस्ट जो भी उसका होगा, है ना, वो सभी चीज़ कौन करेंगे, वही टीचर वही शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे शिक्षा का बोझ क्या हो गया, बहुत ही कम हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है सी सी ई के उद्देश्य से, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि सी सी ई का जो है उद्देश्य क्या क्या होता है। तो फ्रेंड सी सी ई का पहला उद्देश्य है भय मुक्त परीक्षण, है ना, भय मुक्त परीक्षण, पहला जो है वो है भय मुक्त परीक्षण, है ना, जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, भय मुक्त होगा, बच्चे टेस्ट से नहीं डरेंगे, परीक्षा देने से नहीं डरेंगे। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए, अधिगम प्रक्रिया को क्या करने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए, प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या आया था, सी सी ई का गठन किया गया था। इसके अलावा जो है बच्चों में जो भी व्यवहारगत परिवर्तन होता है, तो छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में जानने का इसका उद्देश्य है। इसके अलावा छात्रों की प्रगति के बारे में जानना, छात्रों की प्रगति के बारे में जानना, है ना, छात्रों की प्रगति के बारे में जानना क्या है, प्रगति के बारे में जानना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखेंगे आप,
सीसीई का मुख्य उद्देश्य कौन कौन है, भय मुक्त परीक्षण, अधिगम को, अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन को, है ना, उसको देखना और इस तरीके से उनके प्रगति के बारे में भी जानना। तो जितने भी समग्र बालक के समग्र मूल्यांकन जो है वो किया जाता है सीसीई के अंतर्गत। नाम ही तो है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब व्यापक मूल्यांकन, ठीक ना। तो सीसीई क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया है जो केवल परीक्षा पे ही बल नहीं देता है बल्कि शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों चीज़ों का मूल्यांकन, यानी दोनों गतिविधियों का मूल्यांकन जो है किया जाता है। तो यहाँ तक आपका हो गया होगा, आई होप आपको समझ में सारा बात आ गया होगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट क्या होता है। अब सीसीई के अंतर्गत ग्रेडिंग सिस्टम आया था, ग्रेडिंग सिस्टम आया था मतलब कि ग्रेडिंग पद्धति आया था जिसमें एक तरफ आप लिखेगा अंक, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो दूसरी तरफ लिखेगा ग्रेड, ठीक है ना। तो एक तरफ अंक दूसरी तरफ ग्रेड, तो यहाँ पे देखिए अंकों को ग्रेड में परिणत किया गया था। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बच्चा है उसका मार्क्स कितना है, 91 है, तो बताइए उसका ग्रेड कौन सा होगा, तो उसका ग्रेड हो जाएगा A1। इसी तरीके से आपका 81 से लेकर के 90 के बीच में A2, 71 से 80 B1, 61 टू 70 B2, ठीक है, 51 टू 60 क्या हो गया C1, इसी तरह से और आपका हो जाएगा कौन, इसी तरह से 51 तक गया है ना, 41 टू 50 ये हो जाएगा आपका क्या C2, ठीक है। फिर आपका 31 से लेकर के 40 में आ जाएगा आपका, नीचे ही लिखिएगा आप, है ना, मेरा तो अटा नहीं, D1 है ना, 21 से लेकर के आपका 30 तक आता है E1। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि D2 क्यों नहीं, तो D2 नहीं होता है आपका, ध्यान रखिएगा। और बिलो 20 ये हो जाएगा आपके क्या E2। तो बार बार यहाँ से कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आप यहाँ पे जनरली स्टूडेंट यहाँ पे D2 लगा देते हैं कि जिसका मार्क्स 21 है, 21% है, तो कौन सा ग्रेड है, तो मुझे ग्रेड उसका कौन सा हो जाएगा E1 हो जाएगा। तो CTET तो इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही पूछेगा, है ना, इसके अलावा जो भी अदर टेट्स है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछने की संभावना होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, है ना, ग्रेडिंग सिस्टम को। अब यहाँ पे बात करते हैं मेथड ऑफ इवेल्युएशन की, है ना, मेथड क्या क्या है इवेल्युएशन का। तो मेथड ऑफ इवेल्युएशन, है ना, मूल्यांकन की क्या क्या विधियाँ हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मूल्यांकन का हम दो विधि है, सबसे पहले को बोलते हैं नॉर्म रेफरेंस रेफरेंस टेस्ट, जैसा कि नाम है ना, इसको कहते हैं मानक संदर्भित परीक्षण, मानक संदर्भित परीक्षण। दूसरा है आपका क्राइटेरिया 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 रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट दो तरीके का होता है आपका, एक होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दूसरा है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। अब मानक संदर्भित परीक्षण हम उस तरीके के परीक्षण को कहते हैं जिसमें बालक के स्कोर की तुलना, है ना, बालक के स्कोर की तुलना उसी एज के बहुत सारे छात्र जो होते हैं उसके औसत प्रदर्शन से किया जाता है ना, उसके औसत प्रदर्शन से, उसके औसत प्रदर्शन से, है ना, अन्य छात्रों के औसत प्रदर्शन से किया जाता है, ठीक है ना। स्कोर की तुलना किससे की जाती है, उसी क्लास के या उसी एज के जो और बच्चे हैं उसके औसत प्रदर्शन से हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो है एक मानक होता है ना, एक मापदंड होता है, इसको बोलते हैं मापदंड संदर्भित परीक्षण, मापदंड संदर्भित परीक्षण इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मापदंड निर्धारित होता है, इस परीक्षा की तुलना आप कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में, है ना। तो लाइसेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ड्राइवर को क्या किया जाता है, एक जो है पास करने के लिए एक स्कोर उसको क्या करना होता है, उसको पास करना होता है। तो यहाँ पे जो है उसको लाइसेंस प्रोवाइड हो जाता है। जैसे आप सीटेट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, सीटेट में अगर आपने 90 मार्क्स प्राप्त किया या फिर जिनके लिए 82 मार्क्स निर्धारित है ना, तो जो लोग का, है ना, जो आपका जनरल कैटेगरी से हैं अगर वो 90 मार्क्स क्रॉस कर जाते हैं तो वो सीटेट पास माने जाएंगे, उनको जो है प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और जिन मतलब जिनका 82 है तो 82 आप करेंगे, तो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आप अगर बात करें तो जो बैंक का एग्ज़ाम होता है, SSC होता है, इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा, है ना, कि आपको कोई मापदंड निर्धारित नहीं है कि आप इतना लाओ और पास कर जाओगे, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो भी अन्य छात्र होते हैं उससे जो है क्या किया जाता है, उसके मार्क्स से जो है तुलना कर करके यहाँ पे जो है आपको प्राप्तांक दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं।
तो ये था फ्रेंड्स नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। इसके अलावा और भी आपके टेस्ट हैं तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला आपका है जिसको बोलते हैं हम लोग अचीवमेंट टेस्ट, है ना, अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट जिसको बोला जाता है उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। अब जैसा कि नाम है ना, बच्चे ने किसी विषय वस्तु में कितना उपलब्धि प्राप्त किया, कितने, है ना, उसके उद्देश्य को पूर्ति किया, ये जानने के लिए हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसको बोलते हैं नैदानिक या निदानिक परीक्षा, है ना, निदानिक परीक्षण, है ना। तो यहाँ पे बच्चे के जो भी समस्या होते हैं उसको जानने के लिए या उसको निदान करते हैं, है ना, तो इसलिए जो परीक्षण लिया जाता है वो कहलाता है आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट होने के लिए कुछ टेस्ट को मानक जो है पूरा करने होते हैं, कौन कौन सा। तो पहला आपका होना चाहिए वैलिड, वैलिडिटी इसको बोलते हैं, वैलिडिटी मतलब वैधता, वैधता। दूसरा है आपका रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी। तीसरा है आपका ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी। जल्दी से तीनों को समझिए और ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर नहीं आज का सेशन पूरा होगा। वैधता, विश्वसनीयता, विश्वसनीयता। और तीसरा है आपका वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, निष्ठता या निष्ठता जो भी लिखिए, है ना, निष्ठता, वस्तुनिष्ठता। तो वैलिडिटी, वैलिड टेस्ट, कोई भी टेस्ट को वैलिड कब कहेंगे, जब जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट को बनाया गया है अगर वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता है, है ना, उस उद्देश्य को मेजर करता है तो कहते हैं वो टेस्ट क्या है, वैलिड है। मतलब कि वैसा टेस्ट जो जिसके लिए निर्मित किया गया है। अब अगर आप सीटेट एग्जाम में गए, एग्जाम में बैठे और वहाँ पूछ दिया गया रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, है ना, जो भी आपका पूछा गया, तो ये सभी चीज़ अगर आपको पूछ दिया जाता तो क्या ये सीटेट के उद्देश्य को पूर्ति करता है, नहीं किया, तो मतलब वैलिड टेस्ट, वैलिड टेस्ट नहीं है। लेकिन अगर सीटेट के एग्जाम में आप बैठे और वहाँ पे सीडीपी का क्वेश्चन आया, है ना, आपके जो भी पेडागॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सभी आए, तो मतलब क्या है, वो वैलिड टेस्ट है। नेक्स्ट की बात करें रिलायबिलिटी, कोई भी टेस्ट रिलायबल कब होगा, रिलायबल कब होगा, रिलायबल होने के लिए क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी आपने कोई टेस्ट लिया, है ना, फरवरी महीना में, है ना, उसी को फिर से मार्च में लिया, फिर से मई में ले लिए, है ना, अप्रैल में लिया, है ना, मतलब हर मंथ आप क्या कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। और कोई स्टूडेंट ए है और अगर इसके अगर मार्क्स की करें अगर, तो एक में आ गया, फरवरी में आया था 72% या 100 में जो है 72 मार्क्स लाया था, फिर जो है 61 हो गया था और फिर जो है 28 हो गया था, तो क्या ये रिलेवल टेस्ट है, नहीं है। कब रिलेवल होगा, जब इसका मार्च में भी 71 और इसका अप्रैल में भी 73 या 72 के आसपास ही रहेगा, मतलब 1-2% से अगर आगे पीछे होता है तब कोई दिक्कत नहीं है, विश्वसनीय टेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट अगर बात, यहाँ पे प्रश्न एक ही रहता है, तो अगर मंथ टू मंथ अगर आप लेंगे तो यहाँ पे नंबर वैरी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बस सुनिश्चितता, यहाँ पे एक कोई बच्चा है उसको अगर आपने टेस्ट लिया, है ना, 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और क्या किए आप, उसके जो उत्तर कॉपी है वो तीन टीचर को दे दिए, T1, T2, T3, ये तीनों क्या है, शिक्षक हैं, और इसके जो उत्तर पुस्तिका जो भी आया उसको क्या कर दिया आप, तीन कॉपी में, मतलब उसको तीन जो है फोटो कॉपी करवा दिए तीन को, और तीनों को क्या कर दिए, बांट दिए, और इस तरीके से ये देखे तो वहाँ पे जो है एक चेक किया तो आया जो है 62 मार्क्स, एक जो चेक किए वो आ गया 82 मार्क्स, और एक जो चेक किए वो आ गया 51 मार्क्स। तो क्या ये है, ऑब्जेक्टिविटी है, नहीं है, है ना। कब होगा ऑब्जेक्टिविटी, जब तीनों के द्वारा चेक करने पर 62, 62 और 61 कुछ इस तरीके का, मतलब बिल्कुल टचेबल आए, है ना, इसके आसपास आ जाए, तब हम उसको मानेंगे ऑब्जेक्टिविटी। और ऐसे क्वेश्चन किस में होते हैं, जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, तभी आपके ऐसे मार्क्स आ सकते हैं। तो आज का कोटा पूरा होता है, कल हम देखते हैं जो आपका बच गया टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन, है ना, कौन कौन से तकनीक है इवेल्युएशन की, ये हम लोग बात करते हैं। तो आज हमने बहुत सारे चीज़ को देखा है, है ना, इवेल्युएशन जाना, है ना, असेसमेंट को जाना, मेजरमेंट को जाना, असेसमेंट के टाइप्स को देखे, फॉर्मेटिव और समेटिव, है ना, जो आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, असेसमेंट एज लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है वो आपका फॉर्मेटिव होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो आपका समेटिव होता है, और ये आपका असेसमेंट एज लर्निंग जो कि आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए आप यूज़ करते हो। इसके अलावा हम लोग कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को देखे, जो कि एक व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें छात्रों के समग्र मूल्यांकन जो है किया जाता है, शैक्षिक और अशैक्षिक दोनों क्षेत्र का मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है।
लागू कब किया गया था, तो 2009 में लागू किया गया था, अक्टूबर 2009 में शायद कक्षा 9 के लिए आया था, है ना, वहाँ पे दिसंबर हो गया होगा तो आपने अक्टूबर कर लेंगे, अक्टूबर 2009 में ही आया था, और 10 में जो है 2010 में अप्रैल 2010 में जो है इसको कक्षा 10 के लिए लागू किया गया था। तो यहाँ पे लागू करने के बारे में अगर क्वेश्चन में आया तो 2009 ही आपका आंसर होगा। इसके बाद हमने देखा सीसीई का उद्देश्य, तो भयमुक्त परीक्षण, इसके अलावा जो भी है आपका, है ना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना, जो भी आपका था, है ना, व्यवहारगत, छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों को जानना तथा छात्रों की प्रगति को जानना, ये सभी जो है सीसीई का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत एसबीए आता है, ग्रेडिंग सिस्टम आता है, उसको हमने देखा। यहाँ पे अलग अलग तरीके के टेस्ट को हमने जाना, स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है, अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण इसको बोलते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का क्लास आप जरूर बताएं, और तो मिलते हैं यहां पे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका ये चैप्टर के साथ, दूसरा जो इसका पार्ट्स होगा आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में आपका रह गया है एक टेक्निक्स जो है, तकनीक जिसको हम पढ़ेंगे, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, उससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पे जानेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन की मदद से किस तरीके से हम लोग बच्चे को जो है जानते हैं बच्चे के बारे में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रिवाइजिंग, है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।